तमाड़ के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पुलिस प्रशासन ने दान पेटी पर नया ताला जड़ दिया है। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर पहान, पुजारी, ग्राम प्रधान, जिला परिषद सदस्य समेत जिला प्रशासन के 4 सदस्य टीम को मिलाकर एक नई कार्यकारिणी भी गठित की है। सिरामिक कोटिंग व टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ियों की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हैं कालरा टायर्स। हमारे खड़पतना और हनुमान मंदिर कोकर स्थित सेंटर्स पर अवश्य पधारें। कालरा टायर्स 34 हजारीबाग रोड खड़पतना रांची, नियर हनुमान मंदिर कोकर चौक रांची। नई कार्यकारिणी दान पेटी की दान राशि के लिए अलग से बैंक में खाता खोलेगी। बैंक में खाता खोलने से दान में जमा रकम की निगरानी कई कमेटी द्वारा बेहतर ढंग से की जाएगी। 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी में परंपरा से चलाई आ रही पूजन पद्धति पर कोई रुकावट नहीं होगी। साथ ही पुजारी, पंडित, पहानों के परंपरागत पूजा विधि पर प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही जमीन अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लोगों को यह भ्रम निकालना होगा कि प्रशासन द्वारा देवड़ी मंदिर का अधिग्रहण किया जाएगा। 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी में प्रशासनिक स्तर के मात्र 4 सदस्य हैं। अन्य 7 सदस्यों में परंपरागत पहान, पुजारी और ग्राम प्रधान शामिल है। देवड़ी मंदिर को विकसित करने के लिए सामूहिक दान पेटी का प्रबंधन अब नई कार्यकारिणी कमेटी करेगी। और जो भी अभी तक कस्टमरी वे से पूजा होती जा रही है उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। बस मंदिर में एक नई प्रबंधन कमेटी के अधीन ये सारे काम होंगे। प्रबंधन कमेटी विस्तारित भी की जा सकती है आगे, जैसे भी फीडबैक मिलेगा और जैसे भी जनता की मांग होगी। ये हमने जो कमेटी बनाई है वो सो मोटो तरीके से नहीं बनाई गई है। विगत वर्षों में भी ऐसा प्रयास किया गया है और जनता से डिमांड आ रही थी इसलिए ऐसा किया गया। सबरंग समाचार के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट।